पूज्य बिरजू महाराज जी एवं पूज्य हरिप्रसाद जी, दो तपस्वियों के बीच बैठने का सौभाग्य ये भी जीवन की बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए। ऑडियंस में बैठ करके जिनको देखने का, सुनने का, अनुभव करने का अवसर मिले तो भी वो पल अगर यादगार हो जाती है तो बगल में बैठने का सौभाग्य तो कितना यादगार बन जाता है। जैसे भी अधिक दशक की साधना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है। कभी कभी हम किताबों में पढ़ते हैं वन लाइफ वन मिशन, लेकिन उसको सदैव अगर देखना है तो बिरजू महाराज जी में दिखाई देता है वन लाइफ वन मिशन। पूरा जीवन उस तपस्या में खपा दिया। ज्यादातर शिक्षा दीक्षा के बाद व्यक्ति को लगता है कि अब पूर्णता प्राप्त हो चुकी है, लेकिन शायद बिरजू महाराज जैसे बिरले ही होते हैं जो कहते हैं अभी तो मेरी पूर्णता की ओर यात्रा चल रही है। बारह सौ साल की गुलामी के कारण देश की हमारी जो ये विरासत है इसके प्रति जो गौरव होना चाहिए था, जन मन के साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। ज्यादातर हमारी कला कई वर्षों तक गुलामी के कालखंड में राज परिवारों के दरबार गृह तक सीमित हो गई। अंग्रेजों के लिए, विदेशी आक्रांताओं के लिए ये हमारी विरासत उनकी आंखों में छुपती थी, उनको संकट लगता था। और इसके कारण उनके माध्यम से उसका लालन पालन होना असंभव था। कुछ राज परिवार थे जिन्होंने इसके महात्म्य को समझा था और उन्होंने इस विरासत को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए भरसक कोशिश की थी। आज जो अपने आप को आधुनिक मानते हैं, मोस्ट फॉरवर्ड मानते हैं, उनके जीवन में डांस यानी फॉरवर्ड होने की एक निशानी माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हम हजारों साल से इतने फॉरवर्ड थे कि कोई मंदिर नृत्य मंडप के बिना बनाया नहीं जाता था। जितना स्थान गर्भगृह में परमात्मा को विराजमान करने का होता था उतना ही हमारे आर्किटेक्चर में, टेंपल आर्किटेक्चर में नृत्य मंडप का स्थान रहता था। हमारे यहां नृत्य को भक्ति
आराधना का माध्यम माना गया था, ईश्वर के साथ जुड़ने का एक मार्ग के रूप में उसको स्वीकृति मिली हुई थी। शायद दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा, कोई समाज ऐसा नहीं होगा जिसके पास नृत्य, नाट्य, संगीत, सुर और ताल की इतनी बड़ी विरासत हो। दुनिया के कई देश हैं जो सुबह भी पिज्जा खाते हैं, दोपहर को भी पिज्जा खाते हैं, रात को भी पिज्जा खाते हैं। ये हम लोग हैं जिनको प्रभात का संगीत क्या हो, दोपहर का संगीत क्या हो, शाम का संगीत क्या हो, पल पल का भाव अलग कैसे हो, उसका प्रकटीकरण हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ है। लेकिन हम दुनिया के सामने हमारी इस विरासत के लिए गर्व करते हुए गए नहीं। हमारी ये कला साधना ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वो जीवन शिक्षा का भी माध्यम है। वो व्यक्ति को स्व से समष्टि की ओर यात्रा कराने के लिए सहारे के रूप में काम करता रहा है। इस सारी विरासत को हम फिर से कैसे उजागर करें, फिर से कैसे दुनिया को दिखाएं, भाई आप जहां हो उसे तो तुम्हें आगे बहुत जाना पड़ेगा, कितने मील चलोगे तब मुश्किल से हमारे निकट आ पाओगे, लेकिन पहले हमें हम पर तो भरोसा हो। आज विश्व अपनी कठिनाइयों के कारण योग से आकर्षित हुआ है। दुनिया के हर समाज को लगता है कि वहां जो अनरेस्ट है, जो उलझने हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, शायद योग उन्हें बचा सकता है। तो अपनी मुसीबतों के कारण दुनिया योग के प्रति आकर्षित हुई। लेकिन उसमें भी कई मुसीबतें हैं। आज से 50 साल पहले हमने कभी किसी दुकान पर यह बोर्ड नहीं देखा था कि शुद्ध घी की दुकान। 50 साल पहले घी की दुकान लिखा है मतलब शुद्ध ही होता था, आज लिखना पड़ता है शुद्ध घी की दुकान। समाज जीवन में जब गिरावट आती है तो योग का भी ऐसा ही हुआ है। सही रूप में जिस रूप से पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी दुनिया को लगता है कि नाक पकड़कर बैठने से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे नृत्य, हमारे संगीत, हमारे स्वर, हमारे ताल, हमारे सुर, इसमें इससे भी ज्यादा सामर्थ्य है दुनिया को डुलाने का। पश्चिम का संगीत तन को डुलाता है, हिंदुस्तान का संगीत मन को डुलाता है। जब मैं नृत्य के संबंध में सोचता हूं तो मेरे मन में कल्पना आती है, मुझे क्षमा करें आप तो पंडित जी हैं, मेरी कल्पना गलत भी हो सकती है। योग की जो कल्पना है जिसमें शरीर, मन और बुद्धि तीनों को जोड़ करके जीवन की यात्रा को सुगठित करने की दिशा तय होती है,
नृत्य उससे एक कदम आगे है। जहां शरीर मन बुद्धि के साथ भाव की भी अभिव्यक्ति होती है, यानी एक प्रकार से ये पूर्ण योग है, नृत्य ये संपूर्ण योग है। जहां मन बुद्धि शरीर तो अंग भंगी का देखते रहते हैं, लेकिन भाव तत्व जब जुड़ता है तो योग की परम सीमा होती है। और जो नृत्य के साधक हैं वो एक प्रकार से योग के अनुष्ठान करते हैं। मुझे खुशी हुई जब माधवी बड़े आग्रह से मुझे कहने लगी आपको आना है, और बहुत पहले डेट बुक की थी। मैंने उनसे कहा, भाई हम लोगों की दुनिया ऐसी है, मैं कोशिश करूंगा कहीं और चला ना जाऊं, लेकिन मुझे खुशी होगी मैं आऊंगा। लेकिन मुझे आज आनंद है कि मैं इस पल को, इस सौभाग्य को पाने में ईश्वर ने मेरी मदद की। पूज्य बिरजू महाराज, उनको ईश्वर दीर्घायुष दे। कलाकार सदा जीवंत होता है। कभी कभी मैं कहता हूं, एक टाइपिस्ट हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, और वो जब उंगली को खेल से ही वो कमाता है, वही उसकी रोजी रोटी का साधन है। एक सितार वादक है, उसका भी यही है विष्णुमोहन जी, उंगली का ही तो खेल है। लेकिन एक टाइपिस्ट शाम को जब घर जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर गिर जाता है, तो चेहरा मुरझाया हुआ होता है, थका हुआ। लेकिन एक सितार वादक जब घर जाता है तो औरों में ऊर्जा भर देता है। है तो दोनों उंगली का खेल, लेकिन एक ने उंगली के माध्यम से पेट भरने का प्रयास किया है, दूसरे उंगली के माध्यम से मन भरने का प्रयास किया है। और ये फर्क होता है जो जीवन के 80 साल 90 साल के बाद भी पंडित रविशंकर जी को देखते थे, हमेशा चेहरे पर चेतना होती थी, एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। ये साधना का परिणाम होता है। और ऐसे साधक पूज्य बिरजू महाराज जी आज हमारे बीच हैं। मैं फिर एक बार हृदय से आदर पूर्वक उनका आदर सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं, उनकी इस लंबी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूं, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये विरासत विश्व भर में कैसे गूंजे, वो हम सबका मार्गदर्शन करते रहे और हम दुनिया में हमारी एक और पहचान बनाए। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर वंदन, प्रणाम।